आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण कला को लेकर काफी मशहूर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा गंभीर से गंभीर बातों को भी सहजतापूर्वक और चुटकुले अंदाज में कह देते थे। अटल जी हमेशा अटल रहे हैं। ऐसा क्या खास था अटल जी के अंदर जो भी राजनीतिक दलों के आकर्षित करता है? चलिए जानते हैं अटल जी की जयंती पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ मैं गीत नया गाता, और मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूँगा। जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरा हूँ, जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा हूँ। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। अटल में काल से अटल रार करने का एक ऐसा मुद्दा था जिसने उन्हें राजनीति से भरे क्षेत्र में भी एक चमकदार नायाब हीरा बनाए रखा। अटल जी वे पहले शख्स थे जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा कि भारतीय राजनीति में नेहरू वंश के सिवा कोई और देश नहीं चला सकता। वे ऐसे अजात शत्रु राजनेता थे जिन्होंने अपनी वाक्पटुता और अद्भुत भाषण कला से न केवल आम जनता को अपना मुरीद बनाया अपितु उनके कट्टर विरोधी भी उनके कायल बने रहे। हम चाहते हैं कि ये गठबंधन सफल हो। हम चाहते हैं कि चुनाव में कर्नाटक की जनता हमें सेवा करने का मौका दे। अभी आपने हमारी लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती सुषमा स्वराज को सुना। ब्रिटिश दल के भारत आने पर नेहरू जी ने उनका परिचय कुछ यूं करवाया था, ये हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं, जो मेरे कटु आलोचना का कोई मौका नहीं खोते पर उनमें एक उज्जवल भविष्य देखता हूं। यानी अटल जी में नेहरू ने बहुत पहले ही भावी प्रधानमंत्री देख लिया था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में आने को कहा पर अटल नहीं माने। अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवट के धनी थे। उन्होंने सारी दुनिया की परवाह किए बगैर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। विपक्ष में रहकर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व किया। वहां पहली बार हिंदी का परचम लहराया। 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य अटल ने अपने कुशल वक्तृत्व शैली से राजनीति में रंग जमाया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता हैं। साल 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय चुनाव से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ जहां से वे जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधो,
तथा लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में पांचवें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीत कर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्य अवधि चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1984 में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया और उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे। सिंधिया से वाजपेयी 2.25 लाख वोटों से हार गए। वाजपेयी जी ने एक बार जिक्र भी किया था कि उन्होंने स्वयं संसद के गलियारे में माधवराव से पूछा था कि वे ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माधवराव ने उस समय मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के तहत अचानक उनका पर्चा दाखिल करा दिया गया। इस तरह वाजपेयी के पास मौका ही नहीं बचा कि दूसरी जगह से नामांकन दाखिल कर पाते। ऐसे में उन्हें सिंधिया से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वाजपेयी 1991 के आम चुनाव में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जगह से जीते। बाद में उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी। साल 2005 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसके बाद से ही अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक जीवन से दूर रहने लगे। उन्होंने दिल्ली स्थित आवास में एकांतवास अपना लिया। तब से लेकर उनके निधन तक भारतीय जनता पार्टी के केवल कुछ चुनिंदा नेता ही उनसे मिलने और हालचाल जानने के लिए आते रहे। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता की वापसी की तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 मार्च साल 2015 को अटल बिहारी वाजपेयी को उनके आवास पर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हो गए। आखिरकार 16 अगस्त साल 2018 को लंबी बीमारी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ओजस्वी वक्ता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। केंद्र सरकार ने उनके निधन के बाद उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ प्रेरणादायक कविता हैं, जो आज भारत के सभी युवाओं के लिए हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका कहना है कि अटल भले ही आज हमारे बीच में नहीं रहे हों, लेकिन वो और उनके विचार आज भी अटल हैं और सदैव अटल रहेंगे। अटल जी की जयंती पर प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।